हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नोकिया लेके आने वाला है 6000 रुपये के अंदर एक स्मार्टफोन, वो भी इंडिया के अंदर, जिसका नाम होने वाला है नोकिया C12। एंड ये स्मार्टफोन आपको काफी जल्दी इंडियन मार्केट के अंदर एंड ऑनलाइन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो गाइस, लुक एंड डिजाइन काफी ज्यादा प्यारा है। प्राइसिंग के हिसाब से स्मार्टफोन देखने में बैक एंड फ्रंट दोनों के ऊपर आपको बेजल्स थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं डिस्प्ले के अंदर, आपको लगेगा। और उसी के साथ ही स्मार्टफोन की अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.3 इंच के आपको HD+ वाली वी नोच के साथ डिस्प्ले देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको यूनिसोक का चिपसेट देखने को मिलेगा, यूनिसोक SC9863ASOC। ये एक 4G चिपसेट है। हालांकि इस चिपसेट के कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है कि आपको यहाँ पे ज्यादा कोई डिटेल देखने को मिले, बट कैसे एक नॉर्मल चिपसेट आपको देखने को मिलेगा जो कि आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर है। स्मार्टफोन के स्पेक्स और प्राइसिंग के हिसाब से चिपसेट काफी ज्यादा सही आपको देखने को मिलेगा, कोई भी हैंगिंग इश्यू जैसे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 के साथ आने वाला है। गो एडिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी एक क्लीन UI। सिंगल कैमरा बैक की तरफ होने वाला और सिंगल कैमरा फ्रंट की तरफ होने वाला। 8 मेगापिक्सल का आपको बैक की तरफ कैमरा देखने को मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट पे कैमरा देखने को मिलेगा। सो गाइस, इस प्राइस रेंज के अंदर आपके जो कैमरा वाली डिमांड है वो भी फुलफिल हो जाएगी। 3.5mm जैक है, FM रेडियो जैसे आपको सभी के सभी सेंसर देखने को मिलेंगे। 177 ग्राम का आपको यहाँ पे वेट देखने को मिलेगा। IP रेटिंग 52 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि आपको डस्ट और थोड़े बहुत पानी से आपको सेफ आपके स्मार्टफोन को रहेगा। 3000mAh की आपको यहाँ पे बैटरी देखने को मिलने वाली। प्राइसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको गाइस एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि 2GB RAM + 64GB यानी 2/64 वाला, जो कि 6000 रुपए के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। और इस प्राइस रेंज के अंदर ये स्पेक्स मैं कहूंगा इनफ है एंड ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा सही रहने वाला है अपने प्राइसिंग के हिसाब से। मुझे लगता है कि नोकिया ने सबसे पहला स्मार्टफोन है जो कि 6000 रुपए के अंदर इतने बढ़िया स्पेक्स के साथ स्मार्टफोन लॉन्च किया है।